गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी वर्चुअल क्लासेस। बच्चों, आज हम पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ में एक ही शब्दार्थ है, शब्द है विद्यमान और अर्थ है उसका उपस्थित। जब बच्चों दादाजी ने उन्हें ओला के बारे में बताया था कि वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं, तो विद्यमान का अर्थ है उपस्थित। अब हमारे प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत क्यों दिया? बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पाठ के आधार पर कि जब बच्चों ने गेंद से खेलना शुरू ही किया था, अचानक से बिजली चमकने लगी थी और बादल गरजने लगे थे, और इसलिए दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत कर दिया था। तो उत्तर है, गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे, इसलिए दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। हमारा दूसरा प्रश्न है, दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया? दादाजी ने बच्चों को बरसते जल के अनेक रूपों की जानकारी देते हुए और चाय पीते हुए बारिश का आनंद लिया। बच्चों, जब बारिश हो रही थी तो दादाजी ने सभी बच्चों को अंदर बुला लिया था, और अमन जो था वो दादाजी के लिए गर्मा गर्म चाय और अपने दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आया था, और उन्होंने चाय पीते हुए बारिश का आनंद लिया। बच्चों, आप सभी इन प्रश्नों को और शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कल हम इसका तीसरा और चौथा प्रश्न करेंगे।